देव गौ कट्टा की लहन चो दंदे अरे हमारे ही तक नहा जाए आग ओ या मत ज्यादा ना नुकसान है ना हमारी में ज्यादा होगा ये भाई है क्या अपने ये देखो भाइयों कितनी गाड़ियां है ये देखो कौन सी में कौन सी एम्बुलेंस में चला पड़ो ये हम आदमी चला रखो ये देख सकते हो भैया कितनी गाड़ी फूंक दी सभी भाई शेयर करें जितने भी हैं ये देखो इसमें आदमी को भी जला दिया गया जिंदा इस गाड़ी के अंदर ये देखो सारी गाड़ी फूंकी पड़ी है भाई सभी शेयर करें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें हेलो पहाड़ से गोली चल रही है पहाड़ से गोली चला रही ये देखो भाइयों कितनी गाड़ियां फूंक रही है पहाड़ से गोली चल रही है पहाड़ पे ऊपर से गोलियों की आवाज आ रही होगी ये देखो कितनी गाड़ी यहाँ पे फूंक चुकी है ये देखो आवाज सुन रहे हो गोलियों की चारों तरफ से पहाड़ में चढ़े पड़े ये भाई फोन ना करो अभी कोई भी फोन ना करें ये देखो कितनी गाड़ी फूकी पड़ी है और पहाड़ पे चढ़े हुए वैसी गोली थोड़ी है ऑर्डर इन पे बाहर है कि बाहर क्या हाल हो रखा है देखो भाई साहब कमाल बहन से बता यार बहन से ये देखो सभी भाई शेयर करें जितने भी जुड़ रहे हैं शेयर करो सभी भाई फोन मत करो यार कोई भी ये देख रहे हो ये देखो सभी भाई फोन आ रहे हैं भाई कोई भी फोन ना करे थोड़ी देर ये अपनी वाली कैंपर है हमारी वाली ये हमारी कैंपर को भी हाल देख लो क्या है भाई हमारी कैंपर भी खत्म कर दिए सारी की सारी कोई 50 गाड़ी करीब यहाँ पर फूंक रखी है मुल्लान ने ये देख सकते हो ये देखो अब ना हो रहा भुज लेगी इतने यार ये देखो सारी तोड़ रखी है ये भी हमारी गाड़ी बच रही है एक यहाँ बच रही है एक और वहाँ बच रही है चलो शुक्र है ये देखो गोली चल रही है चारों तरफ से अब भी कितनी गाड़ी फूकी पड़ी है देख लो भाइयों और हम लोग फंसे हुए हैं मेरे बाद में भाइयों कुछ नहीं पता हम जिंदा घर पहुंचे ना पहुंचे चारों तरफ से इन पहाड़ों में से ये पहाड़ दिख रहे हैं पहाड़ों में से गोली चल रही है अब ये चारों तरफ से घेर रखे इन पहाड़ों में से ये देखो आवाज सुन रही होगी गोली की रखें डाएगा जाएंगे इन्हें दिक्कत ना मानो ये देखो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअलिटीज की अभी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। क्या कुछ संख्या क्या थोड़ी देर बाद में हम कर रहे हैं उसकी जो आंकलन जिसको भी लगी है अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो भर्ती हैं वहाँ से हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं। वजह जो इश्यू था शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से
टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। आज माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जिले में पूरे में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है जिससे कि कोई भी वंचित तत्व इसमें अफवाहें ना फैला सके। कब तक एकजुट होकर इसमें स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से लगा हुआ है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। अभी हमारा मेन सभी लोगों से यही अपील है कि जो भी सामाजिक और मौजूद लोग यहाँ के हैं वो लोग इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान रखें और जो भी अपने आसपास के जो लोग हैं सिचुएशन को ख़राब करने में लगे हुए हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाएं।